कैसे हो आप सब। मैं हूँ अर्पना कन्वर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पना कन्वर ब्लॉग। आज मैं आई हूँ जुहू में मुक्तेश्वर टेंपल के दर्शन करने के लिए। ये टेंपल जो है वो जुहू में है, कौन टेंपल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में है। इस टेंपल की दो सबसे बड़ी खासियत है। पहली खासियत ये है कि ये जो टेंपल है वो 7 मंजिल बना हुआ है और हर मंजिल पर हर एक भगवान जी का मंदिर है। और 7वें फ्लोर पर जिस भगवान जी का मंदिर है उन्हें मैं बहुत मानती हूँ और वो है शंकर भगवान जी का मंदिर। जी हाँ, शिव जी का मंदिर। और कल है शिवरात्रि और मैंने सोचा क्यों ना मंदिर जाकर खुद भी दर्शन कर लूँ और आप सबको भी दर्शन करवा दूँ। और दूसरी खासियत जो है इस मंदिर की वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं मंदिर में और दर्शन करते हैं। चलिए मंदिर के पास तो पहुंच चुकी हूं। मंदिर की एंट्री का रास्ता दूसरी तरफ से है, लेकिन मैंने सोचा आपको इधर का व्यू भी दिखा दूं मंदिर का। तो आप लोग इधर का व्यू देख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं दूसरी तरफ से मंदिर के अंदर। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये जो मंदिर है 7 मंजिल का बना हुआ है, हर एक मंजिल पर अलग अलग भगवान जी का मंदिर है और ये मंदिर बहुत ही बड़ा मंदिर है। चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने दर्शन कर लिए हैं। देखिए कितना अच्छा मंदिर सजाया हुआ है, कितने अच्छे शिवलिंग हैं, सारा मंदिर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए दूसरी तरफ यहाँ पर पाइप एक्सटेंशन लगाई जा रही है। इससे क्या होगा कि कल जैसे कि शिवरात्रि है और बहुत भीड़ इकट्ठा होगी, तो ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, लोग क्या करेंगे कि जल यहीं से चढ़ाएंगे और जल सीधा अंदर के शिवलिंग तक पहुँच जाएगा इसके थ्रू। और ये देखिए यहाँ पर टोकन मिलता है अंदर प्रसाद चढ़ाने के लिए, नारियल मिलते हैं, किसी को नारियल चढ़ाने हो या दिया लगाना हो अंदर, तो सब कुछ यहाँ से मिलता है, उसके लिए टोकन लेना पड़ता है। अभी मैं जा रही हूँ 7वें फ्लोर पर शिव भगवान जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर सीढ़ियाँ भी हैं बट मैं जा रही हूँ लिफ्ट से, तो चलिए चलते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बोला था, एक दूसरी खास बात भी है इस मंदिर की। वो खास बात ये है कि इस मंदिर में भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप हैं। मैं आपको सारे स्वरूप के दर्शन करवाऊंगी, सारे स्वरूप दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं खुद माथा टेक लूं फिर दिखाती हूँ। आइए आपको दर्शन करवाती हूँ। ये हैं गुजरात में स्थित सोमनाथ जी के शिवलिंग के स्वरूप हैं और ये हैं आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन और ये हैं उज्जैन के श्री महाकालेश्वर जी। अब आगे हैं मध्य प्रदेश में स्थापित श्री ओमकारेश्वर जी और ये हैं श्री केदारनाथ जी। क्या आपने कभी सोचा था कि एक साथ 12 शिवलिंग के दर्शन करने को मिलेंगे। और ये हैं पुणे महाराष्ट्र में स्थित श्री भीमा शंकर जी और ये आगे देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित श्री काशी विश्वेश्वर जी और ये आगे हैं नासिक महाराष्ट्र में स्थित श्री त्रिम्बकेश्वर जी और ये हैं श्री वेदनाथ जी जो कि बिहार में हैं। और आगे देखिए ये शिवलिंग गुजरात में श्री नागेश्वर जी का है और ये है 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में है श्री रामेश्वर जी का
और ये है 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर जी का। अब मैं जा रही हूँ दर्शन करने के बाद वापस नीचे। आई होप आप लोगों को भी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, मैंने दर्शन कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को भी मेरे साथ मंदिर के दर्शन करके अच्छा लगा होगा। जो लोग भी बॉम्बे में हैं और भगवान शंकर को मानते हैं, इस्कॉन टेम्पल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में ये मंदिर है, यहाँ पर दर्शन करने के लिए ज़रूर आना। मेरे तरफ से आप सबको हैप्पी शिवरात्रि, और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मंदिर के दर्शन करके अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना मंदिर कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। अब मैं चलती हूँ घर वापस। बाय बाय।